मुकेश पाटीदार जी नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मुकेश जी बताइए। सर मैं ये है, मैं अभी नया नया जुड़ा हूँ इसमें सर। तो जो सुजलोन के मैंने सर खरीदे थे 16 रुपए में खरीदे थे सर, 60 शेयर। और रेल विकास निगम के खरीदे थे 45 शेयर मैंने 35 रुपीज में सर। तो इनको मैं और मतलब ऐड करना चाहता हूँ आगे लॉन्ग टाइम के लिए, क्या कर सकता हूँ सर? अभी दोनों शेयर रखे हैं आपके पास? हाँ सर दोनों ही रखे हैं मेरे पास। ओके, सुजलॉन 16 रुपए पे चल रहा है, 55। RVNL 35 रुपए पे जो चल रहा है 550। सरेंज और खरीदना है, खरीद लेगा? अभी तो एवरेज काफी नीचे आ जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं जब नई नई शुरुआत कर रहे हैं तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन जरूरी है, और कम से कम आप 10 स्टॉक से तो स्टार्ट करेंगे जहां आप 4-5 सेक्टर को एलोकेशन दे सके। पैसा आपके पास कुछ भी हो, कम है कि ज्यादा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट जितने भी पैसे हैं उनको आपको 10 टुकड़ों में डाल के लगाना है। अब आप ये 2 स्टॉक ऑलरेडी ले चुके हैं तो इन्हीं 2 को क्यों लेना है? आपको 8 स्टॉक और कम से कम और अच्छे स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, 4-5 सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देना है। और जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब तो आपको उस समय ब्लू चिप पे रहना है। आपका यूनिवर्स जो है वो कहीं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के आसपास होना चाहिए। तो आई थिंक टॉप 100 स्टॉक्स में आइडियाज निकालें और रिमेनिंग 8 स्टॉक वहां लेने की कोशिश करें, बनस्पति इन्हीं 2 को ऐड करने की। इनमें तो आपके पैसे बन रहे हैं, स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें, प्रॉफिट में जितना आप ड्रॉडाउन ले सकते हैं उतने ड्रॉडाउन के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ जरूर निर्धारित कर लें। बाकी नए 8 स्टॉक ढूंढें निफ्टी 100 में से और उनमें पैसा डालने की कोशिश करें। ओके, और नए ढूंढ के अच्छी क्वालिटी के मिल जाए तो उस पर डालिए। और ये 2 स्टॉक अब चूंकि बहुत लो प्राइस पे आपने लिया, बने रहिए तो ये